जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम स्टैटिक में पढ़ेंगे पुरस्कार। क्या पढ़ेंगे? पुरस्कार। पुरस्कार से पेपर में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जब से हमारे पुरस्कारों की शुरुआत हुई है, तब से लेकर आज वर्तमान में किसको क्या पुरस्कार दिया जा रहा है, ये सब कुछ आज की क्लास में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो, क्लास आपकी स्टैटिक की 32 होने वाली है। दिल्ली पुलिस भाई संजीवनी बूटी है आपके लिए, दिल्ली पुलिस वालों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी ये क्लास, ठीक है। और गारंटी लेती हूँ पुरस्कार से पेपर में जो प्रश्न आएगा इस क्लास से ही मिलेगा, क्योंकि इस क्लास में शुरू से एंड तक का पूरा निचोड़ है, ठीक है। जब किसी भी क्लास में मैं कह रही हूँ संजीवनी बूटी है, तो वो रियल में संजीवनी बूटी ही है, ठीक है। बस आपको संजीवनी बूटी को ग्रहण करना है। ग्रहण का मतलब, अगर कोई चीज कराई जा रही है तो वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ना कि दिल में, ठीक है। इस ख्याल को दिल में बिठा लो कि मुझको वर्दी लेनी है, और दिमाग में आपको ये ख्याल रखना है कि कैसे भी करके ये क्लास हमको याद हो जाए, ठीक है। तो देखो, पुरस्कार जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, तो वो आपका भारत रत्न है। भारत रत्न आपका सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। इसकी स्थापना की गई 2 जनवरी 1954 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपका। भारत रत्न की शुरुआत या स्थापना 1954 ईस्वी को की गई, ठीक है। भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, सिफारिश पर दिया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, भारत रत्न पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के द्वारा 1977 ईस्वी में बंद कर दिया गया था, ठीक है, समझ गए ना। 1977 ईस्वी में बीजेपी की सरकार ने इसको बंद कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार 1980 में थी, तो इस सरकार ने फिर से भारत रत्न को शुरू किया, मतलब भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की। अब बात करते हैं वरीयता में कौन सा क्रम है भारत रत्न पुरस्कार का। देखो, सबसे बड़ा जो पद है, सबसे बड़ा पद भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, ये होता है राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर राज्यपाल, पांचवें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति, मतलब कोई राष्ट्रपति जो रह चुका है वो पांचवें नंबर पर आएगा, ठीक है। अब छठवें पर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। सातवें नंबर पर वाइस प्राइम मिनिस्टर VPP, ठीक है, वाइस प्राइम मिनिस्टर, सॉरी BPM, शॉर्टकट में यहां भी लिखा है, यहां भी लिख दिया। कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा, लोकसभा विपक्ष, और CM भारत रत्न, ठीक है, समझ गए ना। मतलब किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के बराबर पावर रखता है आपका भारत रत्न, समझ गए ना। जिसको भारत रत्न मिल गया, समझ जाओ वो तो मालामाल हो गया है ना। तो तभी तो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम करो जिससे कि नाम हो जाए, और नाम के साथ साथ सारी सुख सुविधाएं तो आपको मिलने ही वाली हैं। देखिए, इसमें सन मैं आप लोगों के लिए सीरीज दाई लिख रही हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि कैसे हमको क्या याद करना है। तो बस आप थोड़ा याद करने की कोशिश करना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, भारत रत्न 1954 ईस्वी में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला, ठीक है, इससे ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया गया भारत रत्न। 1954 ईस्वी में ही 3 लोगों को मिला था, और बाकी तो आप आगे पढ़ने वाले हैं, किसी को किसी सन में एक बार दिया गया या किसी को 2 बार दिया गया, ठीक है। तो देख लीजिए, 1954 ईस्वी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था भारत रत्न, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CV रमन को मिला था। देखो, 1954 में भारत रत्न इन तीनों को मिला था, ठीक है।
और शिवी रत्न भारत के पहले वैज्ञानिक थे। अब बात कर लेते हैं कि कैसे याद रखें कृष्ण। कृष्ण गोपाल, कृष्ण जी को ही गोपाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसे याद हो गया। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था भारत रत्न, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 1955 में यह प्रावधान आया कि ये पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति मर जाएगा, बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति है जिसने कोई ऐसा काम किया है कि उसको भारत रत्न दिया जाए, तो 1955 के बाद ये प्रावधान आ गया था कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसको भी हम देंगे मरणोपरांत भारत रत्न, ठीक है। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को मिला था भारत रत्न, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। देखो जो भी ये कंडीशन आ रही है ना, ये इम्पोर्टेंट हो गया आपका। 1962 वाला इम्पोर्टेंट हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखो, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मिला था सबसे पहले मरणोपरांत। भाई सबसे पहले वाली बात है तो इम्पोर्टेंट ही होगा, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका। कुल कितने लोगों को मरणोपरांत मिला, तो 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 1971 में किसको दिया गया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, ठीक है। 1980 में देखो, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, अब तक जो सेशन चल रहा है पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, पूरा इम्पोर्टेंट है। 1980 में मदर टेरेसा को आपका भारत रत्न पुरस्कार मिला था। 1987 में दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान को, जो कि पहले विदेशी थे, ठीक है। 1990 में भीमराव अंबेडकर को दिया गया और नेल्सन मंडेला को दिया गया, जो कि नेल्सन मंडेला दूसरे विदेशी थे। पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे, दूसरे कौन थे, नेल्सन मंडेला, ठीक है। 1991 में राजीव गांधी को दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया भारत रत्न पुरस्कार। 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया। 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया, ठीक है। मैं अब तक जो भारत रत्न दिया गया है वहां तक आपको पढ़ा दूंगी, बस आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि जुनून तो आप में खुद ही होना चाहिए। हम पढ़ा दें आप लिख लें उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा तो तब होगा ना जब हम पढ़ा रहे हैं और आप मन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, 1998 का हमारा रह गया था, अभी दो चार और रह गए हैं। तो मैं 1954 से लेकर 2019 तक जिनको जो भी भारत रत्न मिला है वो सारे मैं आपको फिर से एक बार कराऊंगी। इस वजह से मैंने ये कॉलम खाली छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था भारत रत्न। 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला था और CN राव को मिला था। सचिन तेंदुलकर का बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है, भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के 40 वर्ष के व्यक्ति थे और ये पहले खिलाड़ी थे, इस वजह से इनका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 2015 में भारत रत्न किसको मिला, मदन मोहन मालवीय को और अटल बिहारी वाजपेयी को। 2019 में प्रणब मुखर्जी को मिला, जो कि 13वें प्रेसिडेंट थे, 13वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। और भूपेन हजारिका, आपको पता ही है भूपेन हजारिका को मिला, जो कि एक गीतकार थे। कौन थे, गीतकार। नानाजी देशमुख को मिला, जो महाराष्ट्र के थे। इन दोनों को मरणोपरांत मिला, मतलब इनको और इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। मरने के बाद इनको पुरस्कार दिया गया, आपको दिख रहा है, यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन अभी आपको दिख जाएगा। मरणोपरांत पुरस्कार इन दोनों को दिया गया, भूपेन हजारिका को और नाना देशमुख को दिया गया, ठीक है।
साथियों जैसा कि मैंने आपसे बोला था, मैं शुरू से लेकर एंड तक, मतलब कि शुरू से लेकर जहां से स्थापना हुई है वहां तक, जहां तक वर्तमान में अवार्ड्स भारत रत्न का दिया गया है वहां तक आपको पूरी सूची के बारे में अवगत करा देती हूं। तो आप देख लीजिए भारत रत्न प्राप्तकर्ता की सूची, ठीक है। 1954 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था, इनको हम सी वी वेंकट रमन भी कहते हैं, ठीक है। इनको पुरस्कार दिया गया 1954 ईस्वी में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी 1954 में दिया गया, और 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी अवार्ड दिया गया। 1955 में भारत रत्न दिया गया सर मोक्ष गुंडम विश्व रमैया को, और डॉक्टर भगवान दास को, पीटी नेहरू को 1955 में ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है, समझ गए ना। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात आती है 1958 की, 1958 में ये भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, महर्षि डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट, ये मत समझना कि पहले नहीं लिखाया तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट पूरी सूची इम्पोर्टेंट है आपकी। 100वें जन्मदिन पर इनको ये पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार। 1961 ईस्वी में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला था, और डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये पुरस्कार दिया गया। 1963 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैं आपको बता दूं, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पूछे जाएं तो आप बताओगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को दिया गया 1963 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, जो कि पहले मरणोपरांत थे, ठीक है। 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। 1975 में वी वी गिरी की फुल फॉर्म बराहगिरी वेंकट गिरी, इनका पूरा नाम है, ठीक है। 1976 में कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। भाई मरणोपरांत वाले भी आपके काफी इम्पोर्टेंट हैं, जहां मरणोपरांत लग जाए वो भी आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपको बता दिया मैंने। 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था भारत रत्न। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था मरणोपरांत पुरस्कार। 1987 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान को अवार्ड से सराया गया, भारत रत्न अवार्ड से, ठीक है। पुरस्कार को इंग्लिश में अवार्ड बोला जाता है। 1988 में मरुपुर गोपालन चंद्रन को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, किस सन में, 1988 ईस्वी में। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ भारत रत्न ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना कि मतलब कि कहीं इसको लाइव सेशन में तो नहीं पूछा जाएगा, नहीं, आज के लाइव सेशन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कल के लाइव सेशन में इस क्लास को पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप पूरा ख्याल रखिए कि आपको हर एक चीज याद होनी चाहिए, सन वगैरह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत रत्न जो पुरस्कार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, नेल्सन मंडेला जो कि दूसरे विदेशी थे, ठीक है। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया मरणोपरांत पुरस्कार। मरणोपरांत भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया, 14 भारतीयों को दिया गया था, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे, ठीक है, 14 में ही। अब देख लीजिए 1991 में ही मोरारजी देसाई प्लस निशान ए पाक,
निशान ए पाक बोला जाता है इनको, ठीक है, मोरारजी देसाई, और मैंने निशान ए पाक लिख दिया है। अगर पूछा जाए कि बताइए निशान ए पाक को भारत रत्न कब दिया गया, तो आप बोलोगे 1991 ईस्वी में, ठीक है। राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1991 में। अब आप देख लीजिए 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। कहा जाता है कि भारत रत्न लेने से मना कर दिया गया था, ठीक है, समझ गए ना, भारत रत्न पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। अब आप देख लीजिए 1992 में जे आर डी टाटा को पुरस्कार दिया गया, सत्यजीत रे को पुरस्कार दिया गया, सत्यजीत रे को भारत रत्न पुरस्कार 1992 में दिया गया। 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया, अरुणा आसफ अली को दिया गया, गुलजारी लाल नंदा को दिया गया, ठीक है। 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को अवार्ड दिया गया, चिदंबरम सुब्रमण्यम को दिया गया, जयप्रकाश नारायण को दिया गया, ठीक है। 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया और प्रोफेसर अमर्त्य सेन को ये पुरस्कार दिया गया। 2001 ईस्वी में गोपनीय बोर्दोलाई को दिया गया। 2001 में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान को दिया गया, लता मंगेशकर को दिया गया। 2008 में भारत रत्न भीमसेन सोनी को दिया गया। 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया और 2014 में ही चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को पुरस्कार दिया गया, ठीक है। 2015 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को और मदन मोहन मालवीय को, ठीक है। 2019 में भारत रत्न पुरस्कार नानाजी देशमुख को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, भूपेन हजारिका को दिया गया था, ठीक है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार। भारत रत्न हमने पूरा पढ़ लिया है, अगर मैं चाहती तो सारे पुरस्कार की क्लास में फिनिश करा देती, लेकिन मैंने सोचा कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि हम सन को कैसे याद करें, तो एक दिन में आप थोड़ा सा याद करेंगे, लेकिन थोड़े में भी बहुत ज्यादा है क्योंकि सन में काफी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं आपको बहुत ही आराम आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। साथियों आज की क्लास में इतना ही, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।